पिछले कुछ दिनों से कुछ मुस्लिम धर्म और गुरुओं की ओर से लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बन सकती है, लिहाजा प्रशासन की ओर से चौकसी बरती जा रही है। ये तस्वीरें मुंबई की है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर मुफ्ती के समर्थकों ने हंगामा किया है। सोशल मीडिया पर मुफ्ती अजहरी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको लेकर के नाराजगी जताई जा रही थी। मुफ्ती अजहरी पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी और गुजरात एटीएस ने उन्हें हिरासत में लिया है। गुजरात एटीएस ने मुफ्ती को मुंबई के घाटकोपर इलाके से हिरासत में लिया और घाटकोपर पुलिस स्टेशन में फिलहाल रखा गया है। लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर मुफ्ती अजहरी के समर्थकों का हंगामा, आप तस्वीरें देख सकते हैं जी न्यूज पर। गुजरात एटीएस ने हिरासत में लिया है, जिस तरह से जूनागढ़ में भड़काऊ बयान दिया था और खासतौर पर हिंदू समाज के लिए अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर कार्रवाई की गई है। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था मुफ्ती अजहरी ने और मुफ्ती के समर्थक फिलहाल थाने के बाहर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहां प्रशासन की बड़ी तैनाती की गई है, बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक के बाद एक इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। जी न्यूज ने लगातार दिखाया कि किस तरह से कुछ मौलाना भड़काऊ बयान दे रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले कोई साजिश की जा रही है देश में अशांति फैलाने की। गुजरात के जूनागढ़ में जिस तरह से मुफ्ती अजहरी ने बयान दिया था और उसके बाद गुजरात एटीएस ने उसे हिरासत में लिया है, घाटकोपर पुलिस स्टेशन में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और आपको हम सुनाते हैं मुफ्ती अजहरी का वो बयान जिसको लेकर के पूरी कार्रवाई की जा रही है, कानून के शिकंजे में आया है ये मुफ्ती। हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमसे तो जिस दौर की बात कर रहे थे मौलाना अजहरी, और क्या वही दौर आ गया है, क्योंकि उनके समर्थक बहुत आक्रामक हो करके थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये रेडिकलाइज्ड लोग हैं जो कि मुफ्ती अजहरी के समर्थन में यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। मुफ्ती अजहरी ने प्रशासन के खिलाफ बयान दिया और खासतौर पर हिंदू समाज के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और इसी भड़काऊ बयान पर एक्शन लिया गया है। गुजरात एटीएस की टीम ने मुंबई के घाटकोपर से उसे अरेस्ट किया है और ऐसे में थाने के बाहर हंगामा किया गया है समर्थकों की तरफ से। जी मीडिया संवाददाता साकेत राय इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, सबसे पहले जानना चाहेंगे फिलहाल वहां क्या स्थिति है, प्रशासन की किस तरह की तैनाती है और क्या हालात अब काबू हुए हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां मुंबई के घाटकोपर इलाके में पुलिस स्टेशन के बाहर जो पूरे के पूरे मुफ्ती समर्थक हैं वो यहां पर आ चुके हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि किस तरह से यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ट्रैफिक जो है वो सही तरह से आवागमन हो सके उसके लिए यहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताऊं कि गुजरात के जूनागढ़ में मुफ्ती ने एक बयान दिया था 31 जनवरी को, जिसके बाद ये पूरी घटना। जी ठीक है साकेत, शायद वहां पर जैमर्स वगैरह लगाए गए होंगे, इस वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हम आपके पास लौटेंगे दोबारा, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। मुफ्ती सलमान अजहरी 31 जनवरी को जूनागढ़ में भड़काऊ बयान, नफरती बयान दिया और दूसरी तस्वीर गुजरात एटीएस ने मुंबई के घाटकोपर से हिरासत में लिया है और हिरासत में लिए जाने के बाद उसके समर्थक हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है।
इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह के भड़काऊ बयानों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो बयान दिया, क्या वो सोची समझी रणनीति के तहत दिया? दूसरे कई मौलाना भी इस तरह के बयान दे रहे हैं जो जिसमें भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है,